अलविदा मेरे बेटे। तुम्हारे साथ हमारी उम्मीदें और सपने भी यहाँ से जा रहे हैं। वो इसे कभी नहीं स्वीकारेंगे, मार डालेंगे इसे। कैसे? ये तो उनका मसीहा बनेगा। क्या होगा अगर कोई बच्चा उसके समाज के दायरे से बाहर जाना चाहता, आसमान से आगे ब्रह्मांड को छूना चाहता? मेरा बेटा उस बस में था, उसने देखा जो क्लार्क ने किया। तुम हमारा जवाब हो मेरे बच्चे, और वो जवाब है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। क्या मैं आपका बेटा बनकर नहीं रह सकता? तुम मेरे बेटे ही हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ एक मकसद से भेजा गया है, और तुम्हें उस मकसद को खोजना होगा अपने लिए, फिर चाहे उसमें तुम्हारी पूरी उम्र ही क्यों ना निकल जाए। ऐसे इंसान को कोई कैसे ढूंढे जिसने उम्र भर अपनी पहचान छिपाई हो? कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था, और कुछ उसे हमेशा पराया समझते रहे। पृथ्वी के लोगों के लिए तुम एक मिसाल बन जाओगे। वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, लड़खड़ाएंगे, घिरेंगे, लेकिन एक दिन वो तुम्हारे साथ होंगे, और तब तुम उन्हें ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा महफूज है? मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे पिताजी का मानना था कि अगर दुनिया को मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे अपनाएगी नहीं। उन्हें यकीन था कि दुनिया इस सच के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे सीने पे ये एस क्यों है? ये एस नहीं है, मेरी दुनिया में इस निशानी का मतलब है उम्मीद। पर यहाँ तो ये एक एस है, जैसे कि एस फॉर सो। कुछ कह रही थी? सुपरमैन जल्द आ रहा है।